तो अब बूम यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा जो सा मोबाइल का एंड्रॉइड मोबाइल का डिस्प्ले वो मेरे आईपैड पर शो होने लग चुका है। अब मैं अपने आईपैड से अपने एंड्रॉइड मोबाइल को इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप एंड्रॉइड मोबाइल को एप्पल के मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो और एप्पल के मोबाइल को एंड्रॉइड मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो थ्रू दिस ऐप। ना सिर्फ आप मोबाइल को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो बल्कि आप अपने आईपैड से अपने एंड्रॉइड मोबाइल को भी कंट्रोल कर सकते हो रिमोटली। इस एप्लीकेशन के बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फैमिली मेंबर आपसे काफी दूर है और उनके मोबाइल में कोई इशू आ जाता है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, बट आपको उनकी प्रॉब्लम का सलूशन पता है बट आपके पास उनका मोबाइल का होना जरूरी है तभी आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप उनके मोबाइल में ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाओगे और खुद भी ये वाली एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करोगे। सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कोड देगी एप्लीकेशन, वो आपने कोड अपने मोबाइल में लिखना है तो आपके पास उनका पूरे मोबाइल का एक्सेस आ जाएगा। मतलब कि आप अपने घर बैठ के उनके मोबाइल यूज कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के थ्रू रिमोटली। अब आप इजीली अपना उनका जो सा इशू होगा वो सॉल्व कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के थ्रू। बेशक वो आपका फैमिली मेंबर किसी और ही कंट्री में क्यों ना हो, आप इजीली उसके मोबाइल का एक्सेस अपने मोबाइल में हासिल कर सकते हो और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ना सिर्फ आप उनके मोबाइल की एक्सेस ले सकते हो बल्कि आप उनके मोबाइल का डाटा अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको अपने आईपैड से अपने एंड्रॉइड मोबाइल को कंट्रोल करके दिखाऊंगा और अपने एंड्रॉइड मोबाइल से अपने आईपैड को किस तरह कंट्रोल करना है वो भी बताऊंगा। बट एंड्रॉइड से आईपैड को कंट्रोल करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपने अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पर आने के बाद सर्च बार में आपने लिखना है एनी डेस्क। तो जैसे आप ये इंस्टॉल एप्लीकेशन सर्च करोगे तो फर्स्ट पर जो सी एप्लीकेशन है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने एनी डेस्क सॉफ्टवेयर MBH जो सा लिखा हुआ है आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है। जो सेकंड वाला प्लगइन है इसको भी इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है अपने एप्पल स्टोर में और यहाँ पर आने के बाद आपने वही चीज दोबारा यहाँ पे सर्च करनी है एनी डेस्क। तो जैसे आप सर्च करोगे तो फर्स्ट पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी ये वाली, तो यहाँ पर आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपल जैसे आप दो एप्लीकेशन दोनों मोबाइल में दोनों डिवाइसेज में इंस्टॉल कर लोगे तो आप क्या करो, यहाँ पर आप इसको आप ओपन करोगे दोनों डिवाइसेज में और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये फिलहाल मेरी दोनों एक ही वाईफाई से कनेक्टेड है तो यहाँ पर मेरे पास दोनों के एड्रेसेस शो हो रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, अपने एंड्रॉइड मोबाइल को अपने आईपैड से कंट्रोल करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, आपको जो से कोड नजर आ रहा है मेरे एंड्रॉइड मोबाइल में 189.1.9.9.7 इसको आपने टाइप करना है अपने आईपैड की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं टाइप करके दिखाता हूँ 18। तो यहाँ पर मेरा एक ही वाईफाई से कनेक्ट है तो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि एक और एनी डेस्क का मोबाइल यहाँ पर वो कोड शो हो रहा है। तो आपने इस पर क्लिक करना है सिंपली और वो यहाँ पर आपके सामने आपका जो इनविटेशन है वो आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर चला जाएगा। मैं क्या करूँगा और यहाँ पर आपके सामने ये शो भी होने लग गया कि आपको कोई इनवाइट सेंड करा है, क्या आप उसको अपने मोबाइल की एक्सेस देना चाहते हो। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस सीजन पे आऊँगा और यहाँ पर इसको फुल एक्सेस पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सेप्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं अलाउ पर भी क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो आप बूम यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मेरा जो सा मोबाइल का एंड्रॉइड मोबाइल का डिस्प्ले वो मेरे आईपैड पर शो होने लग चुका है। अब मैं अपने आईपैड से अपने एंड्रॉइड मोबाइल को इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर देखें अपने आईपैड पे मैं टच कर रहा हूँ और सिंपली वो यहाँ पर टच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको बैक करूँ तो ये इजीली बैक भी हो जाएगा। अब मेरे आईपैड में मेरा हुआवे का मोबाइल चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं सिंपल सेटिंग में आऊंगा। सिंपल सेटिंग में आने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे सॉफ्टवेयर अपडेट करना था, मेरे फैमिली मेंबर को मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करना नहीं आ रहा था तो मैं यहाँ पर सिंपली आऊंगा, इनका मोबाइल का सॉफ्टवेयर यहाँ पर चेक करूंगा। तो यहाँ पर मैं अपना सॉफ्टवेयर चेक करूंगा कि ये अपडेट वाला है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर अपडेट होगी तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो इस तरह हम इनके मोबाइल की एक्सेस लेकर बिल्कुल ही इजीली किसी के भी मोबाइल की एक्सेस लेके उनका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया, हमने अपने एंड्रॉइड मोबाइल का एक्सेस अपने आईपैड में दिया। अब हम अपने एंड्रॉइड मोबाइल से अपने आईपैड का कंट्रोल कैसे ले सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इजीली हम अपने एनी डेस्क में दोबारा आएंगे और यहाँ पर जो क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, अब हम यहाँ पर अपना सेशन जब हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा, जब हमारा प्रॉब्लम सारा सॉल्व हो जाएगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पर क्रॉस पर आके क्लिक करेंगे और हमारा यहाँ पर जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एंड्रॉइड का डाटा अपने इस आईपैड के अंदर
सेव कैसे करूंगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक ये पॉपअप सा बना आ गया, उसके सामने आप देखें 4 डॉट्स से बने हुए हैं। आप इस पर क्लिक करोगे सिंपली, और यहाँ पर ब्राउज फाइल पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे आप ब्राउज फाइल पर क्लिक करोगे, अगेन आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल पर आपके पास वो परमिशन मांगेगा आपने स्क्रीन शेयरिंग, और यहाँ पर फुल एक्सेस करके एक्सेप्ट पर आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास आपके एंड्रॉइड मोबाइल की कंप्लीट एक्सेस आ जाएगी। अब यहाँ पर आप उनकी स्टोरेज में जा से पहुँच चुके हो, इसमें से आप कुछ भी चीज़ अपने आईपैड में इजीली सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वीडियो सेव करनी है अपने मोबाइल में, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और कनेक्ट टू ट्रांसफर फाइल पर मैं क्लिक करूँगा, और ये सिंपली यहाँ पर विद इन फ्यू सेकंड में मेरे आईपैड के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये बहुत ही मस्त किस्म की एप्लीकेशन है, इसको आप इजीली यूज कर सकते हो। बट एक बात ध्यान में रहे, आपने अपने मोबाइल का एक्सेस किसी अननोन पर्सन को नहीं देना, वरना वो आपके मोबाइल में छेड़खानियां ले सकता है, तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। ऑलराइट, यहाँ पर मेरी फाइल जो है सेव हो चुकी है, मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पर मेरा काम जो है कम्प्लीट हो चुका है। मैं क्या करूंगा, अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे क्लोज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसका सेशन एंड कर दूंगा। अब मैंने अपने आईपैड को अपने एंड्रॉइड मोबाइल से कंट्रोल करना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, अब जो सा मेरे आईपैड की स्क्रीन पर जो एड्रेस नजर आ रहा है वो मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल पर टाइप करूंगा। जैसे मैंने टाइप किया, यहाँ पर आपके सामने नीचे नजर आ रहा है कि ये एक डिवाइस यहाँ पर मेरी यून सी है वो मुझे शो कर रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने आईपैड का एक्सेस अपने मोबाइल में ले लूंगा। बट यहाँ पर आप देखें, मुझे आईपैड कह रहा है कि आपका कोई एक्सेस ले रहा है कोई और डिवाइस। मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर इसको एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर इजीली ये एक्सेस ले लेगा मेरे डिवाइस का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको अलाउ किया है डेस्क को, तो मेरी यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बंद हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, आपने सिंपल यहाँ पर इसको ब्रॉडकास्ट स्क्रीन ब्रॉडकास्ट को ऑन कर देना है, पर यहाँ पर आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बट आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से उसको कंट्रोल नहीं कर सकोगे, आप अपने आईपैड की स्क्रीन चलाकर ही इसमें काम चला सकोगे। तो इस तरह आप अपने आईपैड को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और अपने एंड्रॉयड को आईपैड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें, बाय को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।